ये दूसरी तरफ का स्लीव्स है, यहाँ पे आप चेन बनाए, 1 2 3 4 5 5 चेन, और फिर इसे स्किप करें, ये स्लिप पोर्शन है, और दूसरे वाला स्टिच मार्कर पे आप एक डीसी स्टिच बना लें, और फिर वो बैक साइड का पोर्शन आ गया। अब आप ये स्टिच मार्कर निकाल कर आप जो बैक साइड का जो स्टिचेस है उसे कंप्लीट करें, 1 डीसी से 1 डबल क्रोशे इन द एवरी स्टिच। इस तरह से बनाए, और हमें जो बटन होल वाला बटन पट्टी वाला जो जगह है उसे हमें अभी इसके साथ जॉइंट कर लेना है। ये लास्ट स्टिच है इस राउंड का। अब हम ये पीछे जो ये जो वाला हिस्सा है दूसरे तरफ वाला, उसे हम अपना स्लिप स्टिच के द्वारा हमें इसे इस तरह से जोड़ लेना है, इस तरह से। अब हम तीन चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया हर एक स्टिच में बनाते जाएंगे, इस तरह से हम देखिए ये वाला जगह पे आप अच्छा से जोड़ें, नहीं तो होल दिखेंगे। इस तरह से देखिए इसके ऊपर ये जो स्टिच है ना, इसके ऊपर ही आप एक स्लिप स्टिच बनाएं, इस तरह से देखिए। अब हम बनाएंगे 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएं हर एक स्टिच में, इस तरह से हमें बनाना है। और ये हम चेन के ऊपर भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से ये राउंड को कंप्लीट करना है, बना इस तरह से आपको बनाना है। मैंने यहाँ से शुरू किया बैक साइड से, 1 डबल क्रोशिया इन द एवरी स्टिच, और ये जो है ये 5 चेन वाले जगह वहाँ पर भी मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से आप आगे भी बना लें, ये राउंड में पूरा 1 डबल क्रोशिया बनाना है हर एक स्टिच में। देखिए ये दूसरे वाले स्लीव्स हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे 1 डीसी 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएं। अब हम इधर आते हैं, ये बनाए 1 डबल क्रोशे इन द एवरी सिंगल स्टिच, रिपीट करें इस राउंड पे, इस तरह से बनाए। आपको ये इस तरह से आपको कम से कम 3 से 4 लाइन ये डबल क्रोशिया का बनाना है। ये देखिए मैंने ये 3 लाइन का चेस्ट पोर्शन कंप्लीट किया, ये 1 डीसी स्टिच है इन एवरी स्टिच, एवरी सिंगल स्टिच। और अब हम बनाएंगे नीचे का पोर्शन, फ्रॉक का नीचे का पोर्शन। इसके लिए हमें वाइट कलर का यार्न का इस्तेमाल करना है। अब हम इसे बैक साइड मैं इसे जॉइंट करना है स्लिप स्टिच के द्वारा, इसे इस तरह से आप जॉइंट कर लें,
विद स्लिप स्टिच, इस तरह से ज्वाइन कर लें। अब हमें 6 चेन बनाने हैं, ये एक पहले बन चुके, उसके बाद और 5 चेन, 2, 3 हुए, 4, 5, 6, 6 चेन में फर्स्ट 3 चेन काउंट कर जाए, फर्स्ट डबल क्रोशिया एंड 3 मोर चेन्स। एक डीसी इसमें सेम स्टिच में हमें बनाना है, 1 डीसी इन द सेम स्टिच, ये हो गए 3 डीसी, 3 चेन, 3 डीसी, ये एक भी स्टिच का, ये एक भी स्टिच का पैटर्न है। अब हमें एक चेन बनाना है और नेक्स्ट 2 स्टिच को स्किप करना है, हमें जाना है 3rd स्टिच पे और बनाना है 1 डीसी, फिर 3 चेन एंड 1 डीसी द सेम स्टिच, इस तरह से बनाना है। 3 डीसी, 3 चेन, 1 डीसी, 3 चेन, 1 डीसी इन द सेम स्टिच, 1 चेन, स्किप द नेक्स्ट 2 स्टिचेस, इन द 3rd स्टिच यू मेक 1 डीसी, 3 चेन, 1 डीसी इन द सेम स्टिच। दिस इज द बी स्टिच पैटर्न एंड देन 1 चेन एंड स्किप द नेक्स्ट 2 स्टिचेस, गो टू द 3rd स्टिच एंड मेक 1 डीसी, 3 चेन, 1 डीसी इन द सेम स्टिच। और इसी तरह से आपको ये लाइन, ये राउंड कंप्लीट करना है, यहाँ पर आकर के आपको उसे ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच के द्वारा। देखिए मैंने ये लाइन कंप्लीट किया, ये लास्ट स्टिच है, यहाँ पर आप उसे एक चेन बना लें और इस तरह से आप यहाँ पे ये 3 चेन है, यहाँ पर आप उसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ लें। ये पहला राउंड ख़त्म हुआ। अब हम यहाँ पे ये होल पे काम करेंगे, यहाँ पे अपना हुक को घुसाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन लेंगे, काउंट कर जाए, फर्स्ट डीसी, ये पहला डबल क्रोशिया है। अब हम टोटल हम इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 हुए, 5 और 1, 6 डबल क्रोशिया हम इस लूप के अंदर बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे, ये नेक्स्ट लूप है बी स्टिच का। अब हम अपना इंसर्ट करेंगे हुक और यहाँ पर भी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम हर एक प्रत्येक लूप के अंदर हम 6 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसी तरह से आप ये लाइन को कंप्लीट करें। 6 डबल क्रोशिया इन द एवरी लूप इन दिस राउंड, 3, 3, 6, गो टू द नेक्स्ट लूप एंड मेक 6 डबल क्रोशिया, 3, 4, 5 and 6, इस तरह से ये लाइन को आप कंप्लीट करें। मैंने ये लाइन कंप्लीट किया, ये सेल स्टिच पैटर्न है और फर्स्ट वाला बी स्टिच पैटर्न है। अब हम आप चाहें तो वाइट कलर से ही इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बैक साइड जाएं और ये जो 6 डीसी का जो सेल स्टिच है पैटर्न है, सेल पैटर्न है, उसके बीचों बीच आप
अपना हुक को घुसाएं, इंसर्ट करें और एक स्लिप स्टिच इस तरह से बना लें। इस तरह से बना करके आप 6 चेन बनाएं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद एक डबल क्रोशिया उसी स्टिच में बना लें। उसके बाद एक चेन बना लें और उसके बाद फिर हम दूसरे सेल स्टिच में जाएंगे और वहाँ पे डायरेक्ट हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हम 3 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बनाएंगे। सेम ये जो पैटर्न जो फर्स्ट रो में जो हम बनाए थे उसी पैटर्न को यहाँ पे रिपीट करेंगे इसी तरह से 1 चेन और फिर इस सेल स्टिच पैटर्न जो है इसके बीचों बीच डीसी बनाएंगे। इस तरह से आप इसे रिपीट करें। आप कम से कम 4 to 5 लाइंस आप ये बनाएं। इसके बाद वाइट कलर से बनाएं, उसके बाद रेड, इस तरह से आप बनाती जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये नीचे का हिस्सा, फ्रॉक का नीचे का हिस्सा मैंने पूरी कर ली हूँ। अब हम इसका थोड़ा सा फ्रिलिंग बनाएंगे, लास्ट वाला हिस्सा बनाएंगे इसका। इसके लिए आप अपना इच्छा अनुसार कलर चूज कर लें, वाइट या रेड, और इस तरह से आप किसी भी स्टिच में अपना हुक को इंसर्ट करें और एक स्लिप स्टिच बनाएं। अब 1 2 3 चेन और ये नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ पे आप अपना इंसर्ट करें हुक और एक सिंगल क्रोशिया बनाएं, 3 चेन एंड गो टू द नेक्स्ट स्टिच एंड मेक 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पूरा ये लाइन को कंप्लीट करें। यू मेक दिस पैटर्न दिस स्टिच इन दिस राउंड। इस तरह से बनाते जाएं। थ्री चेन, गो टू द नेक्स्ट स्टिच एंड मेक 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये डिजाइन, ये पैटर्न इस तरह से दिखेगा। आप चाहें तो इसमें एक एक बीट्स भी लगा सकती हैं ऊपर से। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करें। इस तरह से पूरे राउंड इस तरह से आप बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये टोटल मैंने ये फ्रिल वाला काम कर लिया। ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस तरह से ये इसका लुक्स आएगा। आप चाहें तो रेड से भी ये फ्रिल दे सकती हैं। अब हम अपना स्लिप्स में काम शुरू करेंगे। हमें इस तरह का पैटर्न डालना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम बीचों बीच इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये देखिए यहाँ वाला हिस्सा, ये जो आपका शोल्डर के ठीक कॉर्नर वाला हिस्सा से शुरू करेंगे हम। अपना वाइट वाला यार्न यहाँ पे जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच के द्वारा।
ज्वाइन कर लिए। अब हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से हमें बनाना है। इस तरह से बना लें वन सिंगल क्रोशिया इन द एवरी सिंगल स्टिच। इस तरह से मैंने अपना सिंगल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट किया। अब हम यहाँ पे थ्री चेन बनाएंगे और हम दूसरे स्टिच पे एक जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हम जो ये फ्रिल जो बनाए थे फ्रॉक का, सेम चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। 1 2 3 चेन एंड गो टू द नेक्स्ट स्टिच विथ सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच से लास्ट में स्लिप स्टिच के द्वारा उसको जोड़ लें। मैंने ये टोटल कंप्लीट कर लिया। ये स्लिप्स है, ये दोनों साइड में बनाया और ये पीछे साइड में भी आप इस तरह से हाफ डीसी का एक लाइन बना लें और इस तरह का बीड्स का यूज़ कर सकती हैं। ये हो गया। और अब सामने में आप चाहें तो इस तरह का वो क्रोशिया का वो बना करके आप इसे बीच में इस तरह से टैग कर दें। आपका फ्रॉक रेडी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।